आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन के बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में हो। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। तो हम लोग का पहला भाग क्या होगा, जिसमें पूरा कंप्लीट चीज दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ बोल रहा है 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक भाग पूरा हो गया। तो ये बनेगा किससे, MD इज इक्वल टू MD के फॉर्मूले से, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिन, आदमियों की संख्या इंटू दिन की संख्या। तो यहाँ 30 व्यक्ति 20 दिन में काम कर रहा है, 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है, यानी टोटल काम कितना हो गया हम लोग का 30 इंटू 20 करने के बाद जो आएगा। अब दूसरे भाग में बोल रहा है यानी कि यही काम कैसे करेगा, यही काम बोल रहा है कि 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद यानी कि दूसरे भाग में पहले 6 दिन काम कर लेता है, अब 6 दिन करेगा वो कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि 6 दिन के बाद, बस यहीं तक। यानी कि 6 दिन तक 30 व्यक्ति काम किया होगा, तो 30 व्यक्ति द्वारा 6 दिन में किया गया काम। अब काम जो बचा क्या बोल रहा है, कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए, यानी 6 दिन के बाद बोल रहा है कि 30 व्यक्ति काम नहीं करेगा। 30 व्यक्ति में से आप ज्ञात कीजिए कि कितना आदमी काम छोड़ दे, कितना आदमी काम छोड़ दे। तो 30 में से कितना आदमी काम छोड़ दे कि काम पूरा होने में टोटल 26 दिन का समय लगे। पहले टोटल कितना दिन का समय लग रहा था, 20 दिन का, अब टोटल कितना समय लगे, 26 दिन। तो 26 दिन में 6 दिन तो हम लोग यहाँ यूज कर लिए, यानी 6 दिन का हम लोग का प्रयोग कर लिया गया, तो 26 में से 6 गया, कितना बचा 20, यानी कि ये कितना दिन काम करेगा, 20 दिन तक काम करेगा, क्योंकि बोल रहा है कि ये पूरा काम में से 30 आदमी 6 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन के बाद 30 आदमी में से कितना आदमी को हम लोग छोड़ दें कि टोटल काम खत्म होने में 26 दिन का समय लगे। तो 26 दिन में टोटल 26, तो 26 दिन में 6 दिन यहाँ यूज हो गया, तो बाकी जो 20 दिन बचेगा वो इसमें लगेगा, इस आदमी को, ये हम लोग का सेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ गुना करेंगे, तो 3 × 6 = 00 हो गया 600, इन दोनों को गुना करेंगे आएगा 180। अब 20 को हम लोग आगे कर लेंगे या फिर यहीं छोड़ सकते हैं, 30 − m × 20। इस 180 को यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस में कितना बच जाएगा, 0, यहाँ 2 बचा, 5, 5 में से 1 गया, 4, 420 बराबर क्या बचा हुआ है ये, तो 20 को आगे लिख दें, 30 − m। अब 0 से 0 गया, 21 × 42, यानी यहां हम लोग का आया 21 = 30 − m। माइनस एम का मतलब कितना आदमी घटाना है। अब इस m को हम लोग बराबर के पहले साइड में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 30, और इस 21 को बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा −21, तो आ जाएगा हम लोग का 9। 9 किसका मान, m का, यानी जितना आदमी घटाना था। इसका मतलब कि कितने व्यक्तियों को काम छोड़ना होगा, 9 व्यक्ति को, जिसके वजह से टोटल काम खत्म होने में 26 दिन का समय लगेगा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 आदमी काम को छोड़ेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 36 पुरुष यदि काम करेगा तो काम 24 दिन में खत्म हो जाएगा, 8 दिन के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तब से मतलब शेष काम जो बचेगा
उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 36 पुरुष यदि काम करता है तो 24 दिन में काम खत्म हो जाता है, लेकिन बोल क्या रहा है कि 8 दिन के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। यानी कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि 8 दिन तक 36 आदमी काम किया, तो 8 दिन तक 36 आदमी काम कर लिया तो काम बचा कितने दिन का, 36 आदमी काम कर रहा था और 8 दिन काम कर लिया, तो 24 दिन में 8 दिन काम कर लिया तो बचा कितना दिन, तो 24 में से 8 दिन काम कर लिया तो बचा यहाँ हम लोग का 16 दिन का काम। यानी 36 आदमी 8 दिन के बाद यदि 36 आदमी काम करते तो बचा हुआ काम कितना दिन में खत्म होता, 16 दिन में। यानी कि हम लोग का बचा हुआ काम कितना है, 36 × 16। इसी काम को करेगा, इसी काम को कौन करेगा, बोल रहा 8 दिन के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, यानी कि 36 आदमी के जगह कितना आदमी काम करेगा, 4 श्रमिक काम छोड़ देता है तो 36 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 32। यानी 36 आदमी काम नहीं करेगा, 8 दिन के बाद जो 16 दिन समय लगना था अब 36 के जगह 32 आदमी काम करेगा तो इस काम में कितना समय लगेगा, यही हम लोग से पूछ रहा है। बोला तब से यानी शेष काम, तो 8 दिन के बाद बचा हुआ काम कितना दिन का हम लोग का है, 16 दिन का, कब, जब 36 आदमी करता तब। लेकिन बोला कि 36 के जगह यदि 32 आदमी काम करे तो इस काम में कितना समय लगेगा, काटेंगे इसको, 16 × 32, 2 से काटेंगे 36 को, 18। यानी कि डी का मान कितना आ गया, 18। जो काम शेष बचा हुआ है उस काम में यदि 32 आदमी उस काम को करे तो कितना दिन का समय लगेगा, 18 दिन का समय लग जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, आठ सौ आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन के बाद काम करने 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि काम बचा कितना है, बाकी बचे लोगों द्वारा, लोग बचा यानी कि संख्या आदमियों का संख्या शेष, और शेष काम भी ज्ञात करना है, यानी तीन भाग, बचा हुआ आदमी, शेष काम, और तब हम लोग को दिन निकालना है, यानी निकालना क्या हम लोग को, दिन। तो सबसे पहले देखेंगे कि 800 आदमी काम करना शुरू किया, 800 आदमी 30 दिन में कर सकता है, लेकिन 800 आदमी किया कितना दिन काम, 12 दिन तक काम कर लिया। अब 12 दिन तक काम कर लिया तो 30 दिन में काम खत्म होना था, 12 दिन तक काम कर लिया तो काम बचा कितना दिन का, 8 2 में से गया 1, 18 दिन का। 18 दिन में काम को कौन खत्म कर सकता है, 800 आदमी, यानी कि 800 आदमी 12 दिन के बाद, 12 दिन बीत जाएगा तो 12 दिन के बाद 800 आदमी 18 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। यानी हम लोग काम कितना बचा हुआ है, 800 × 18 दिन, क्योंकि 30 दिन में 12 दिन काम कर लिया है तो 18 दिन का काम बचा हुआ है, यानी काम हम लोग का यही बचा हुआ है 800 × 18। इस काम को अब कौन करेगा, सेम काम, जहां सेम काम होगा तो वहां MD = MD फॉर्मूले का यूज होगा। इसी काम को अब कौन करेगा, बोल रहा है 80 आदमी काम छोड़ देता है, यानी 800 आदमी के जगह अब 80 आदमी कम काम करेगा, तो 80 आदमी कम काम करेगा मतलब 800 में से 80 घटा देंगे तो 800 में से 80 घट जाएगा तो आएगा 720, यानी 800 आदमी के जगह कितना आदमी है, 720 आदमी, 720 आदमी को कितना दिन का समय लगेगा, 800 आदमी को तो 18 दिन का समय लग रहा था, अब 720 आदमी काम करेगा तो कितना दिन का समय लगेगा ये निकालना है। यानी कि ये काम और ये काम दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ 800 आदमी काम कर रहा था
तो 18 दिन लग रहा था, यहाँ 720 आदमी काम करेगा तो निश्चित है कि 18 से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आदमी कम हो गया तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन कितना लगेगा यही निकालना है हम लोग को। तो 0 से 0 गया, 18 से 18 चौक 72, 4 से 80 को काटेंगे, 20 चौक 80, यानी कि बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम में कितने दिन का समय लगेगा, कितना, 20 दिन का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, टाइप एक श्रमिक टाइप दो श्रमिक से इतना गुना अधिक कुशल है, यानी दो प्रकार का मजदूर है, एक ए प्रकार का मजदूर है, दूसरा दूसरे प्रकार का मजदूर है, यानी दो प्रकार का मजदूर है, यानी दोनों का काम करने का क्षमता अलग अलग है। टाइप एक प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को टाइप एक के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि क्षमता ज्ञात करेंगे, टाइप एक और टाइप दो का क्षमता क्या है। तो टाइप एक को लिख लेते हैं हम लोग रोमन में 1 और यहाँ 2, क्या दे रहा है, यहाँ 2.5 गुना अधिक, यानी कि कुशलता का क्षमता का बात हो रहा है। क्या बोल रहा है, टाइप एक श्रमिक यानी पहले प्रकार का मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 2.5 गुना अधिक है, दूसरे प्रकार से नहीं, जिससे तुलना करेगा उसको हम लोग कुछ मानेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका क्षमता कितना है 1, और इसी का 2.5 गुना कौन, टाइप एक, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 गुना। अब यहां से दशमलव को खत्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 0, काटेंगे इसको 5 से 50 25, 5 गुना 10, ये अनुपात में आ गया हम लोग का मान। क्या टाइप पहले प्रकार यानी पहले प्रकार के मजदूर के क्षमता और दूसरे प्रकार के मजदूर का क्षमता आया, यानी पहले प्रकार का मजदूर एक दिन में 5 काम कर सकता है तो दूसरे प्रकार का मजदूर एक दिन में 2 काम करेगा। अब हम लोग प्रश्न को 2 भागों में बांटेंगे, क्या, जिस भाग में, पहला भाग जिसमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ होगा कुछ, और दूसरा जिसमें कुछ न कुछ गायब होगा। जैसे बोल रहा है टाइप एक प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ हम लोग का एक लाइन यानी कि एक साइड कंप्लीट हो गया, एक साइड कंप्लीट हो गया। इसी काम को क्या बोल रहा है, उसी काम को टाइप एक के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले भाग को सेट करते हैं, टाइप एक प्रकार के 12 श्रमिक किस पर बनेगा हम लोग का, MD इज इक्वल टू MD पर, M का मतलब श्रमिकों की संख्या। तो यहां बोला टाइप एक प्रकार का 12 मजदूर, तो टाइप एक प्रकार का 12 मजदूर कितना दिन, 10 दिन में, इसी काम को कौन करेगा, टाइप एक प्रकार का 4, टाइप एक प्रकार का 4 मजदूर प्लस टाइप दो के 15 मजदूर, टाइप दो का 15 मजदूर कितना दिन में पूरा करने के लिए कितने दिन का समय, यानी यही हम लोग को निकालना है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ टाइप एक, अब टाइप एक का क्षमता कितना है 5, यानी कि इसका क्षमता भरेंगे 5, 12, 10। फिर यहाँ टाइप एक है तो टाइप एक का क्षमता 5 × 4 प्लस टाइप दो का क्षमता 2 है, 2 × 15 × 20। अब इन सभी को हल करेंगे तो 12 × 5 = 60, 60 ये 10, 10 से गुना करेंगे 600, ये हो जाएगा 5 × 20, अब 15 × 30, 600, 30 × 20 = 50, D, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 12 × 5 = 60,
यानी कितना समय लगा, डी बराबर 12, तो पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 12 दिन का समय, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिन में काम का एक भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 57 पुरुष दुगुना कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ बोला है, मान ले कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष इतना घंटा में। यानी कि यहाँ जो लाइन हम लोग का दे रहा है ये है, बता रहा है कि जो आदमी काम कर रहा था पहले और बाद में, दोनों का क्षमता अलग अलग है। यानी यहाँ पुरुष तो यहाँ भी लिख रहा है, पुरुष यहाँ भी है, लेकिन आगे लाइन में बोल रहा है कि इस पुरुष का क्षमता दूसरे पुरुष के क्षमता के बराबर है, यानी कि पुरुष का टाइप बांट दिया। तो हम लोग निकालेंगे M1 यानी पहले पुरुष का क्षमता, M2 ये दूसरे पुरुष हो गया। क्षमता याद करेंगे तो क्षमता के लिए सबसे पहले टाइम लिखेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम दे रहा क्या, 2 पुरुष 1 घंटा। पहले समूह, पहला यानी कि इस लाइन का बात हो रहा, पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटा में, 2 पुरुष 1 घंटा में जितना काम करता है उतना ही दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.2। अब 1.2 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1.2 का मतलब 2 × 2 और प्लस ये 3, 3/2, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 3/2। अब ये टाइम है तो इसको क्षमता में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ आएगा तो 3 × 9/2, ये यहाँ आएगा तो 2, इस 2 को बटा से यहाँ से हटाएंगे तो इसके साथ जाएगा 2, तो आ जाएगा 9/4। यानी कि ये पहले प्रकार के पुरुष का क्षमता आ गया और ये दूसरे प्रकार के पुरुष का क्षमता आ गया। अब हम लोग प्रश्न को 2 भागों में सेट करेंगे, कैसे, बोला एक दिन में 6 घंटा कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिन में एक काम एक भाग कर सकते हैं, काम का एक भाग, यानी यहां तक हम लोग का कंप्लीट, एक भाग हम लोग का यानी पहला भाग कंप्लीट हो गया। बनेगा किस फॉर्मूले से, MDH by W, जहां M क्या है, आदमियों की संख्या, D दिन और H घंटा, W हम लोग का काम है। तो क्या बोल रहा है, 6 घंटा कितना आदमी, 38 पुरुष। अब 38 पुरुष है लेकिन पुरुष में क्या, ये पुरुष और ये पुरुष अलग अलग है, तभी तो यहाँ क्षमता अलग अलग आया। तो लिखेंगे 38 पुरुष को लिखेंगे हम लोग 38 M1 यानी पहले प्रकार का 38 पुरुष, कितना दिन, 12 दिन, कितना घंटा में, 6 घंटा में काम को कर सकता है, कितना काम, काम का एक भाग, एक भाग बराबर। अब बोल रहा है दूसरे में जिसमें एक दिन, अब वे दिन ज्ञात करें, यानी कि दूसरा लाइन, जिसमें एक दिन में 8 घंटा कार्य करने वाले, ये हम लोग का दूसरा भाग हो गया, यानी जो यहाँ लिखाएगा क्या, जिसमें एक दिन में 8 घंटा में काम करने वाले 57 पुरुष दुगुना काम कर सकते हैं। 57 पुरुष यहाँ कितना है, 57 M2 दूसरे प्रकार का आदमी, कितना दिन में, दिन ही निकालना है हम लोग को, कितना घंटा, 8 घंटा काम करके, प्रतिदिन 8 घंटा काम करेगा, काम कितना है, बोला दुगुना काम, यानी पहले जितना काम हो रहा था उसका दुगुना काम, तो पहले 1 तो यहाँ 2 गुना यानी 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 × 4 = 8, ये 19 × 57 और 19 से जाएगा दो बार में, 19 × 2 = 38, 3 से काटेंगे 3 × 12,
चार से चार खत्म है, क्या बच गया हम लोग का, छह और दो को गुना करेंगे तो छह दुना बारह एम वन, और यहाँ क्या बचा सिर्फ एम टू, एम टू इंटू डी जो निकालना है। अब एम बारह हो गया, एम वन यानी पहले आदमी का क्षमता कितना है, पहले ग्रुप का आदमी का क्षमता नौ, लिख देंगे नौ। दूसरे का क्षमता कितना था एम टू का, चार, चार हो गया डी, चार से काटेंगे चार तिया बारह, दोनों को गुना करेंगे सत्ताईस, यानी कितने दिन का समय लग जाएगा, सत्ताईस दिन का।